वोटर कार्ड डिटेल्स को कैसे किसी एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट करवाना है। मान लो कि आपने पहले किसी एक जगह पे रहते थे तो आपका वोटर कार्ड में भी उस जगह का डिटेल्स डाला हुआ है, लेकिन आपने अभी क्या किया कि उस जगह से शिफ्ट होकर किसी दूसरी जगह पे चला गए हो, लेकिन आपके वोटर कार्ड में अभी भी उस जगह का डिटेल्स डाला हुआ है, तो आपके वोटर कार्ड को भी कैसे ट्रांसफर करके दूसरी जगह पे लेके जाना है, मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से मोबाइल के स्क्रीन में फुल डिटेल में बताने वाला हूँ। तो अगर आप भी आपका वोटर कार्ड डिटेल्स को शिफ्ट करके किसी दूसरी जगह पे लेके जाना चाहते हो तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखना, उसके बाद आपको भी कंप्लीट डिटेल्स जानकारी फुल डिटेल में पता चलने वाला है। तो चलिए मैं आप लोगों को डायरेक्ट मोबाइल के स्क्रीन में फुल प्रोसेस दिखाता हूँ। आपके वोटर कार्ड में जगह बदलने के लिए मतलब एड्रेस को चेंजेस करने के लिए सबसे पहले आपको वोटर हेल्पलाइन एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगा। तो ये वाला एप्लीकेशन नॉर्मली प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लेना। इस एप्लीकेशन का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक पर क्लिक करके भी डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद इसको जब ओपन करोगे तो आपके सामने सबसे पहले कुछ परमिशन मांगा जाएगा, तो सबको अलाउ कर देना। अलाउ कर लेने के बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो देखो यहाँ पर आपको थ्री डॉट वाला सेक्शन देखने को मिल रहा है एक्सप्लोर, तो आपको यहाँ पर एक बार क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको फॉर्म एट वाला सेक्शन पे क्लिक करना है, ठीक है, करेक्शन ऑफ एंट्रीज। तो मैं यहाँ पर एक बार क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पर क्लिक करने के बाद मेरे सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिल रहा है। सबसे पहले मुझे यहाँ पर लेट्स स्टार्ट वाला सेक्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर डालना होगा, तो आप कोई भी एक मोबाइल नंबर डाल सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपके आधार कार्ड में या किसी भी डॉक्यूमेंट में जो वाला नंबर लिंक है उस नंबर को डालना होगा, ऐसा नहीं है। आपके जिस नंबर पे ओटीपी जाएगा वो वाला नंबर को यहाँ पर डाल देना, उसके बाद आपको सेंड ओटीपी वाला सेक्शन पर क्लिक करना होगा। तो मैं अपना नंबर डाल के सेंड ओटीपी वाला सेक्शन पर क्लिक कर रहा हूँ, 68। देखो जैसे कि मैंने कंप्लीट डाल दिया, उसके बाद मैं सेंड ओटीपी वाला सेक्शन पे क्लिक कर रहा हूँ। जैसे ही सेंड ओटीपी वाला सेक्शन पे क्लिक कर दिया तो मेरे नंबर पे तुरंत ओटीपी आ जाएगा, जैसे कि आ गया है 909233। तो मैं यहाँ पर वही ओटीपी को डाल देता हूँ 909233। उसके बाद मुझे वेरीफाई वाला सेक्शन पे क्लिक करना होगा यहाँ पर, ठीक है। तो ओटीपी का वैलिडिटी है 2 मिनट, ठीक है, तो 2 मिनट के अंदर ही आपको वेरीफाई करना होगा, तो मैं अभी कर लेता हूँ। तो देखो जैसे ही मैंने वेरीफाई वाला सेक्शन पे क्लिक कर दिया तो मेरे सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिल रहा है, तो आपके सामने भी कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर दो ऑप्शंस देखने को मिल रहा है, एक है यस आई हैव वोटर आईडी नंबर, दूसरा है नो आई डोंट हैव वोटर आईडी नंबर। तो आप अगर आपके वोटर कार्ड से आपका एड्रेस को चेंजेस करना चाहते हो तो आपके वोटर कार्ड में तो नंबर रहेगा, तो उस नंबर को यहाँ पर अगर नंबर है तो आपको यहाँ पर टिक करना है। टिक करके आपको यहाँ पर नीचे नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना होगा यहाँ पर, ठीक है। जैसे कि मेरा है तो मैं यहाँ पर ही टिक रहने देता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर रहा हूँ। देखो नेक्स्ट बटन पे जैसे ही क्लिक कर दिया तो मुझे यहाँ पर मेरा वोटर कार्ड का नंबर डालने के लिए बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है प्लीज़ योर इंटर वोटर आईडी नंबर, ठीक है। तो आपके जो वोटर कार्ड में नंबर है, ठीक है, सिर्फ नंबर नहीं इंग्लिश लेटर भी कुछ होगा, इंग्लिश लेटर के साथ कुछ नंबर होगा, तो आपको पूरा इंग्लिश लेटर उसके बाद नंबर को डालना होगा। डालने के बाद आपको फेच डिटेल्स वाला सेक्शन पर क्लिक करना होगा। तो मैं अपना वोटर कार्ड नंबर डाल के फेच डिटेल्स वाला सेक्शन पर क्लिक कर रहा हूँ। देखो जैसे कि मैंने मेरा वोटर कार्ड का नंबर डाल दिया, उसके बाद मैं यहाँ पर फेच डिटेल्स वाला सेक्शन पे क्लिक कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर जैसे ही क्लिक कर दिया यहाँ पर स्क्रीन पे देखने को मिल रहा है कि वी हैव फाउंड दिस रिकॉर्ड ऑफ योर एंटर वोटर आईडी, ठीक है। मैंने जो वोटर आईडी यहाँ पर डाला तो उसका रिकॉर्ड इन लोगों के पास ऑलरेडी अवेलेबल है। तो अभी मुझे क्या करना होगा, मुझे यहाँ पर प्रोसीड वाला बटन पर क्लिक करना होगा। तो मैं प्रोसीड वाला बटन पर क्लिक कर रहा हूँ, उसके बाद मेरे वोटर कार्ड का फुल डिटेल्स इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है और यहाँ पर मेरा वोटर कार्ड का नंबर देखने को मिल रहा है। तो इसी तरह से आपको भी नंबर फिल करना होगा। उसके बाद मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ थोड़ा सा और देखो स्क्रॉल में कुछ नहीं है, तो मैं यहाँ पर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करूँगा। देखो नेक्स्ट बटन पर जैसे ही क्लिक कर दिया तो मेरे सामने यहाँ पर मेरा पर्सनल डिटेल्स फिर से देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो अगर आपका आधार नंबर यहाँ पर डालना चाहते हो तो अभी आप डाल सकते हो, अगर नहीं डालना चाहते तो यहाँ पर टिक कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं जैसे कि यहाँ पर टिक कर दिया तो अभी मुझे आधार कार्ड का नंबर डालना नहीं होगा, ओके। आप देखो यहाँ पर मुझे फिर से मोबाइल नंबर डालने के लिए बोल रहे हैं, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि एप्लीकेंट, ठीक है। तो आपका जो पर्सनल मोबाइल नंबर है तो उस मोबाइल नंबर को यहाँ पर डाल देना, शायद आपका वोटर कार्ड के साथ आपका मोबाइल नंबर लिंक हो जाए, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें डालने के लिए बोल रहे हैं, तो यहाँ पर अगर आप नहीं डालोगे तो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पर स्टार मार्क डाला हुआ है, मतलब यहाँ पर आपको फिल करना ही होगा। और यहाँ पर किसी भी ऑप्शन पर स्टार मार्क डाला हुआ नहीं है, मतलब मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं डालूंगा, सिर्फ यहाँ पर मैं अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ 68। देखो मैंने डाल दिया, उसके बाद मैं यहाँ पर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करूँगा, ठीक है। देखो स्क्रीन पर यहाँ पर नेक्स्ट बटन देखने को मिल रहा है, तो मैं नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर रहा हूँ। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने के बाद मेरे सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिल रहा है। देखो यहाँ पर सबसे ऊपर में देखने को मिल रहा है कि शिफ्टिंग ऑफ रेजिडेंस, ठीक है। मैं तो अपना जगह बदलना चाहता हूँ वोटर कार्ड में, तो मुझे यहाँ पर ही टिक रहने देना होगा, ठीक है। अगर आप दूसरा काम करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पर करेक्शन का सेक्शन देखने को मिल रहा है, रिप्लेसमेंट का सेक्शन देखने को मिल रहा है और रिक्वेस्ट फॉर मेकिंग एज पर्सन विथ डिसेबिलिटी, अगर आप हैंडीकैप हो तो यहाँ पर टिक कर सकते हो। आप दूसरे काम के लिए ये वाला ऑप्शन, इन सारे ऑप्शन को चूज कर सकते हो, ठीक है। जो वाला मतलब प्रॉब्लम है उनमें से एक ऑप्शन को चूज कर सकते हो। नॉर्मली मैं शिफ्टिंग करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर ही टिक रहने देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर रहा हूँ। देखो नेक्स्ट बटन पे जैसे ही क्लिक कर दिया तो यहाँ पर मेरे स्क्रीन पे देखने को मिल रहा है कि प्रेजेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंस फुल एड्रेस, ठीक है। तो अभी मैं हाल ही में जिस जगह पे रहता हूँ उसी जगह का मुझे एड्रेस यहाँ पर फिल करना होगा, ठीक है। तो एक एक करके कंप्लीट आपको फुल एड्रेस फिल कर देना है, उसके बाद आपको आपके एड्रेस प्रूफ का एक फोटो अपलोड करना होगा। तो क्या कहाँ पर लिखना है, कौन सा फोटो अपलोड करना होगा, मैं आप लोगों को सबसे पहले बताता हूँ। देखो यहाँ पर स्क्रीन पर आपको सबसे पहले देखने को मिल रहा है कि हाउस नंबर, ठीक है। तो आपका हाउस का जो नंबर है, ठीक है, उस नंबर को यहाँ पर फिल कर देना।
अगर आपका हाउस का नंबर आपको पता नहीं चल रहा है तो आपके वोटर लिस्ट में, ठीक है, देखना वहाँ पर आपके जो फोटो डाला हुआ है तो उसी जगह पे आपको आपके हाउस नंबर मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जैसे ही आप हाउस नंबर डाल दोगे उसके बाद यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपके ही लैंग्वेज में मतलब हाउस नंबर आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर इन रीजनल लिखा हुआ है, ठीक है, मतलब आपके एरिया का ही लैंग्वेज में यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि स्ट्रीट, ठीक है, तो स्ट्रीट मतलब रास्ता, ठीक है, सड़क मतलब यहाँ पर आपके गांव का नाम डालना होगा, मतलब अभी आप जिस गांव में रहते हो, और ऑटोमेटिकली आपके ही लोकल लैंग्वेज में यहाँ पर आ जाएगा। अगर नहीं आ रहा है, मतलब कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है, तो आप यहाँ पर क्लिक करके आपके लोकल एरिया का कीबोर्ड लैंग्वेज में, मतलब अगर आप हिंदी में टाइपिंग करना चाहते हो तो आप हिंदी में टाइपिंग करके चेंजेस कर सकते हो। अगर आप दूसरी लैंग्वेज में हो, बंगाली में टाइपिंग मतलब आ रहा है, तो बंगाली में बंगाली कीबोर्ड डाउनलोड करके बंगाली में टाइपिंग करके आप टिक कर लेना, ठीक है। उसके बाद आपको देखो यहाँ पर आपके विलेज डालने के लिए बोला, तो फिर से आपके गाँव का नाम डाल देना, यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपके मतलब लोकल एरिया का लैंग्वेज में आ जाएगा। उसके बाद पोस्ट ऑफिस आपका डाल देना, यहाँ पर ऑटोमेटिकली पोस्ट ऑफिस आ जाएगा आपके लोकल एरिया का लैंग्वेज में। उसके बाद आपको यहाँ पर पिन कोड फिल करना होगा, ठीक है। और देखो यहाँ पर उसके बाद आपको देखने को मिले तहसील, ठीक है, तहसील का मतलब हो जाता है कि आपको आपके मतलब ब्लॉक फिल करना होगा, ठीक है, आपका ब्लॉक कौन सा है उस ब्लॉक को डालना होगा, और आपके लोकल लैंग्वेज में यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके बाद आपको स्टेट सिलेक्ट करना होगा, और उसके बाद आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना होगा, और देखो यहाँ पर ऑलरेडी असेंबली सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, आपको यहाँ पर चूज करना नहीं होगा, ऑटोमेटिकली सिलेक्ट किया हुआ रहेगा। उसके बाद यहाँ पर डॉक्यूमेंट प्रूफ आपको डालने के लिए बोल रहे हैं एड्रेस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो देखो मेरे सामने बहुत सारे ऑप्शंस निकल के आएगा, ठीक है, जैसे कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले देखो देखने को मिल रहा है कि डॉक्यूमेंट फॉर प्रूफ ऑफ एड्रेस, मतलब आप जो एड्रेस चेंज कर रहे हो इसका क्या प्रूफ है, ठीक है। तो सबसे पहले आप वाटर कनेक्शन का बिल जो है उस बिल को आप देख के चेंजेस कर सकते हो। दूसरा है इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन बिल, किसके घर में आज की डेट में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो आपके घर में भी होगा, तो आप उस बिल को एड्रेस प्रूफ के हिसाब से दे सकते हो। उसके बाद गैस कनेक्शन के बिल को भी दे सकते हो, आधार कार्ड को भी दे सकते हो। आपके बैंक के खाते में अगर उस जगह का पास मतलब पासबुक बना हुआ है उस जगह का एड्रेस देके, तो आप आपके बैंक के खाते को भी दे सकते हो, इंडियन पासपोर्ट को भी दे सकते हो। इसी तरह से और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो उन सारे ऑप्शंस को चूज कर सकते हो। अगर इनमें से कोई भी नहीं मैचिंग करते, आपके कुछ दूसरा कैटेगरी का डॉक्यूमेंट आपके पास है, तो आप यहाँ पर आदर्श वाला सेक्शन पर क्लिक करके आप उस आदर्श डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हो, ठीक है। आप जैसे ही यहाँ पर किसी भी एक डॉक्यूमेंट को चूज कर लोगे, उसके बाद आपको देखो यहाँ पर अपलोड वाला सेक्शन देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अपलोड वाला सेक्शन पर क्लिक करना होगा, लेकिन यहाँ पर देखो एक चीज़ देखने को मिल रहा है कि सपोर्टेड फॉर्मेट जेपीजी, आपको जेपीजी फाइल में मतलब नॉर्मल पिक्चर में ही आपको अपलोड करना होगा, और पिक्चर का साइज मैक्सिमम आपका 2 MB होना चाहिए, मतलब 2 MB से ज़्यादा हो जाएगा तो आपका नहीं चलेगा, ठीक है, मतलब 2 MB से कम मतलब क्वालिटी का इमेज आपको अपलोड करना होगा। तो एक एक करके सारे ऑप्शन को फिल करके मैं यहाँ पर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करूँगा, ठीक है। तो देखो जैसे कि मैंने यहाँ पर पूरा एड्रेस को फिल कर लिया, ठीक है, ये फेक एड्रेस है, जस्ट आप लोगों को दिखाना है, इसलिए मैं आप लोगों को प्रोसेस बता रहा हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट वाला सेक्शन पे मतलब अपलोड वाला सेक्शन पे क्लिक करके अपलोड करूँगा, ठीक है। तो देखो अपलोड बटन पे क्लिक कर दिया, उसके बाद मेरे सामने दो ऑप्शन निकल गए, एक है कैमरा, दूसरा है गैलरी, ठीक है। तो आप कैमरा से डायरेक्ट फोटो खींच सकते हो, और दूसरा आप गैलरी से भी चूज कर सकते हो, अगर फोटो खींचा हुआ है तो। मैं नॉर्मली गैलरी से चूज कर रहा हूँ। तो देखो जैसे ही गैलरी बटन पर क्लिक करते तो मेरे सामने कुछ इस टाइप के इंटरफेस देखने को मिल रहे हैं, तो इनमें से मुझे वो वाला फोटो को चूज करना होगा, ठीक है। तो मैं सैंपल के तौर पर आप लोगों को दिखा रहा हूँ जस्ट, इसलिए मैं ऐसे ही नॉर्मली चूज कर लिया, ठीक है। और देखो यहाँ पर आपको प्रीव्यू वाला बटन देखने को मिला, तो यहाँ पर से आप प्रीव्यू भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे आप प्रीव्यू वाला बटन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ स्टेप का इंटरफेस देखने को मिलेगा, ठीक है। और आप यहाँ से प्लस करके जूम कर सकते हो, मतलब माइनस करके छोटा कर सकते हो, और प्लस करके आप जूम कर सकते हो, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो मैं नॉर्मल इतना ही रहने देता हूँ। उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर क्रॉस बटन पर क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब मेरा ठीक ठाक है। उसके बाद मुझे यहाँ पर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना होगा, तो मैं नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर दिया। उसके बाद देखो यहाँ पर डिक्लेरेशन फॉर्म देखने को मिल रहा है, यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि आई हेयर बाई डिक्लेयर्ड दैट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, मतलब आपके नॉलेज के हिसाब से आई एम सिटीजन ऑफ इंडियन, मतलब आप इंडियन के ही रहने वाले हो, ठीक है। और यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें डाला हुआ है, तो मैं इतना नहीं पढ़ता हूँ, ऐसे ही वीडियो लंबा हो रहा है। उसके बाद मेरा नेम यहाँ पर डाला हुआ है, मुझे अपना प्लेस यहाँ पर फिल करके यहाँ पर डन बटन पर क्लिक करना होगा। तो मैं जैसे ही डन बटन पर क्लिक करूँगा तो मेरे सामने एक रेफरेंस आईडी जनरेट हो जाएगा। तो मैं जैसे ही डन बटन पर क्लिक करूँगा तो मेरे सामने कुछ इस टाइप का रेफरेंस आईडी जनरेट हो जाएगा, ठीक है, तो आपको भी देखने को मिलेगा। तो उस आईडी को आप कॉपी करके रख लेना, ठीक है, या किसी भी पेज में लिख के रख लेना। उसके बाद आपको करना क्या होगा मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। उसके बाद आपको फिर से ये वाला एप्लीकेशन में आ जाना है। यहाँ पर आप जैसे ही आ जाओगे यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने ये वाला एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा, एंड कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको 3 डॉट में क्लिक करना होगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको देखो यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है, स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन, मतलब आपने जो एप्लीकेशन किया अभी आपके सामने रेफरेंस नंबर जनरेट हुआ है, तो यहाँ पर स्टेटस चेक कर सकते हो। यहाँ पर क्लिक कर दिया, उसके बाद उसी रेफरेंस आईडी को यहाँ पर फिल करना होगा, एंड ट्रैक स्टेटस वाला सेक्शन पे क्लिक करके आपके एप्लीकेशन का स्टेटस ट्रैक कर सकते हो कि अभी किस पोजीशन में है, क्या सक्सेसफुली आपका एड्रेस चेंज हुआ है या नहीं हुआ है, आप यहाँ से ट्रैक।
सो फ्रेंड्स यही था प्रोसेस वोटर कार्ड को शिफ्टिंग करने का, मतलब कैसे किसी एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करना है। मैं आप लोगों को फुल डिटेल्स प्रोसेस मोबाइल की स्क्रीन में बता चुका हूँ। आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको फुल डिटेल जानकारी पता चल चुका है। अगर आपने आपके पूरे फैमिली मेंबर को एक ही साथ में ट्रांसफर करवाना चाहते हो तो आपके सामने बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो आने वाला है। उस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आपके पूरे फैमिली मेंबर को एक साथ में एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर करवाना है। अगर आपको इस वीडियो को देखने के बाद थोड़ी सी भी मदद मिली है तो वीडियो को जरूर एक लाइक करना। अगर आपने इसी टाइप के हेल्पफुल कंटेंट रेगुलरली पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आपके सामने सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं अगले इन कमाल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।